कि जहाँ सही दिशा में जा रहे हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना मैं कन्विक्टेड जो भी हुए हैं, वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ, उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और उस कागज पेपर मांगे हैं, और सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी एनआईए सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है, के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज़ बोल बताया गया, तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। बाकी क्या सी आरोप लगे हैं, अवैध कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं है, गलत चीज़ है ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार, हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद माननीय विधायिका जो है, वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है, व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है, और रिफैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब सारा चीज़ है, तो सब लीगल वे में है। देखिए पत्नी को तो निश्चित रूप से वो 1.5 साल बेचारी रहवे की बाहर, और उसका तड़ी पार और जेल, इससे तंग होकर के जो है वो और संन्यास ले लिया, और ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है, उसको अब राजनीति पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दादा, सीओ शशिभूषण मेहता के बारे में भी पूछा गया आपसे? कोई मतलब नहीं, शशिभूषण मेहता के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया गया। शशिभूषण मेहता से मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई संपर्क नहीं, ना उसको मेरे से संपर्क है। वो ईडी के अधिकारी जानते हैं, और उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं किया गया, ना उसका पूछने की आवश्यकता है। नहीं, उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं। बालू खनन का कोई अवैध कारोबार है ही नहीं, तो ये सब प्रोपगेंडा है, ये सब राजनीतिक, जो ईडी के अधिकारी को और ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग के खिलाफ में कोई गलत सूचनाएं दिया और गलत गुमराह किया गया है, और वैसे गुमराह करने वाले को हम ईडी के अधिकारियों को भी बोलेंगे कार्रवाई कीजिए, जो ऐसे अधिकारी। देखिए ये सब चीज़ ना हम नहीं मानते हैं, चुनाव के समय परेशान किया जाता है, ये नहीं, कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, गलत इम्पैक्ट या इनपुट दिया गया है, जिसके चलते ये दिया गया है, तो निश्चित रूप से जांच में हम लोग क्लीन चीट निश्चित रूप में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसमें निश्चित रूप से हम लोग क्लीन चीट होंगे। ओके, एकदम संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं। जांच जो चीज़ है, नहीं हम कोई आरोप नहीं लगा सकते, हम तो बोले कि मेरा पुराना केस जितना भी जांच कर दे, मेरा जितना जीवन रहेगा वो जीवन के दौरान मैं 5 दिया यहाँ पर ईडी के कार्यालय में डेली जलवाऊंगा। अगर मेरा पूरा सारा केस का, चूंकि जिसमें हमको कन्विक्टेड हुए हैं, बहुत सा मामले में हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारा ईडी से बड़का स्वतंत्र एजेंसी क्या, ईडी एनआईए सीबीआई, ये सब तो हमारा देश का एक एसेट है, और ऐसे एसेट अगर मेरे मामले को जांच करता है, इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकता है। इस चलते हम चाहेंगे कि मेरा जितना मामला है सब जांच करके हमको दूध का दूध और पानी पानी कर दें। जी नहीं नहीं गलत बात है, दुरुपयोग की बात, अब कोई दुरुपयोग, कौन किसके प्रति दुरुपयोग कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मेरे प्रति कोई दुरुपयोग नहीं है।